देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात करेंगे शनिदेव की दृष्टि की, जो कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है ये बताएंगे आपको। क्या शनि की दृष्टि का अलग अलग ग्रहों से संबंध है? अगर शनि की दृष्टि का अशुभ प्रभाव हो तो क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की 7.5 चल रही हो या शनिदेव की ढैया चल रही हो तो शनिवार को हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो और भी उत्तम होगा, वरना किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। और जब तक आपकी 7.5 या ढैया चल रही हो तब तक अपना आहार, अपना खान पान पूरी तरह से सात्विक रखें। तो ये था गुड लक मंत्र। आइए अब देख लेते हैं 7 नवंबर का पंचांग क्या है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 7 नवंबर 2021, दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम को 4:21 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 9:05 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे रात के 9:05 तक। इसके बाद धनु राशि में राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 7 नवंबर का पंचांग भी आपने जान लिया है। बता दें कि गुड लक टुडे में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, तो अगर कोई सवाल आपके पास है आप भी हमें भेज सकते हैं जिसका जवाब पंडित जी आपको देंगे। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टि की, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे की वजह आखिरकार क्यों है, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों की प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ पर बैठे हुए हैं और कहाँ पर देखते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पोजीशन, एस्पेक्ट और कम्बिनेशन, कंजंक्शन। तो हर ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, केवल सातवीं दृष्टि। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास अन्य दृष्टियां भी होती हैं, और समस्त ग्रहों में सबसे ज्यादा ताकतवर दृष्टि अगर किसी की होती है तो वो शनि की होती है। शनि के पास सातवीं दृष्टि तो है ही, इसके अलावा तीसरी दृष्टि भी है और दसवीं दृष्टि भी है। ये दृष्टि जिस ग्रह पर, जिस भाव पर या जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। शनि की दृष्टि बहुत ही अशुभ मानी जाती है और शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़कर अलग अलग दुष्परिणाम, अलग अलग बुरे प्रभाव पैदा करती है। तो ज्योतिष में दो ग्रहों की दृष्टियां बड़ी कीमती हैं। बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां गंगा जल छिड़केगी, वहां शुभता पैदा करेगी, और शनि की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पर नाश करेगी, नुकसान करेगी। तो शनि की दृष्टि अगर यहां पर आप पर पड़ेगी तो वो आपके लिए दुष्परिणाम ला सकती है, लेकिन गुड लक टुडे में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि इस दृष्टि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं बाद में। लेकिन पहले अब देख लेते हैं राशियों का हाल। शुरुआत करते हैं मेष राशि के दैनिक राशिफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। बेवजह की मानसिक चिंता आपके मन में इस समय दिखाई दे रही है। नौकरी में कुछ परिवर्तन भी इस समय दिख रहा है
और इससे आप कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां कम हो, मुश्किलें कम हो, तो गुड़ का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, बहुत सारी दौड़ भाग इस समय आपके लिए दिख रही है। हालांकि आपको आनंद तो आएगा, लेकिन दौड़ भाग काफी ज्यादा रहेगी। आपके काम की, आपके मेहनत की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, और आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी इस समय दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा मरून, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, ज्यादा व्यस्तता बढ़ रही है और इस वजह से थोड़ी परेशानियां आपको होंगी। करियर में स्थितियां ऐसी बनेंगी कि छोटे मोटे बदलाव होंगे आपके लिए, लेकिन राहत की बात यह है कि जो पैसे रुपए की स्थिति है, जो धन की स्थिति है, वो आपके लिए ठीक रहेगी। शुभ रंग जिसका आप प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फायदा आपको प्राप्त होगा। तो मेष, वृष, मिथुन राशि का ये दैनिक राशिफल था। आगे की राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि की, जो हमने जान लिया कि दुष्प्रभाव यहाँ पर आपकी कुंडली पर पड़ सकते हैं, आपके जीवन पर पड़ सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि का अलग अलग ग्रहों पर क्या असर पड़ता है, पहले ये जान लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर, जिस ग्रह पर, जिस व्यक्ति पर पड़ेगी उसको भयंकर नुकसान होगा। अब अलग अलग ग्रहों पर शनि की दृष्टि के इंपैक्ट क्या हैं, प्रभाव क्या हैं? अगर सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन खराब होता है। पिता पुत्र में संबंध सामान्यतः अच्छे नहीं रहते हैं। अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़े तो वैराग्य पैदा होता है, व्यक्ति के मन में वैराग्य की संभावना बनती है, या तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है या उसे मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। अगर मंगल पर शनि की दृष्टि पड़े तो विस्फोट जैसी स्थिति आती है, प्रचंड दुर्घटना के योग जिंदगी में बनते हैं, सर्जरी के योग, दुर्घटना के योग बन जाते हैं। बुध पर अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति धूर्त, चालाक होता है और अमूमन उसे त्वचा की समस्या परेशान करती है। बृहस्पति पर अगर शनि की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता और ज्ञानी बहुत होता है, अहंकारी होता है, ऐसा देखा गया है। शुक्र पर अगर शनि की दृष्टि हो तो चरित्र दोष पैदा होता है, व्यक्ति निम्न कार्यों में, क्षुद्र कार्यों में लिप्त रहता है। राहु या केतु पर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति नशे का शिकार होता है, लेकिन कभी कभी राहु या केतु से शनि का ये कनेक्शन व्यक्ति को राजनीति में सफलता दे सकता है। तो अलग अलग ग्रहों पर शनि का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर शनि की दृष्टि उन ग्रहों पर पड़ रही है, पंडित जी ने आपको बताया। आगे आपको इससे जुड़े हुए उपाय भी बताएंगे जो कि आप कर सकते हैं। फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। करियर में सुधार के संकेत फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और ये मामला आपके लिए लाभकारी है। धन लाभ के भी अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय कोल्ड कफ से, सर्दी जुखाम से आपको बचाव करना चाहिए। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, बेवजह के व्यर्थ के विवाद आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। इस समय खाने पीने के मामलों में, खान पान में सावधानी रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलों से बचें, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना नौकरी से या विवाह से जुड़ी हुई इस समय आपको प्राप्त होगी। इस समय आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। रिश्तों में सुधार होता हुआ दिख रहा है, यानी मुश्किलें धीरे धीरे कम हो रही हैं। शुभ रंग है आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये दैनिक राशिफल था। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में हम आपको देते हैं एक महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शनि की दृष्टि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर शनि की दृष्टि का प्रभाव अशुभ हो तो इस दौरान आप कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या है वो उपाय, पंडित जी आपको बताएंगे। एक ही मामले में शनि की दृष्टि अशुभ नहीं होती। वो मामला ये है कि शनि अपने भाव को स्वयं देख रहा हो, अपनी राशि को स्वयं देख रहा हो, तो उसकी दृष्टि फायदेमंद हो जाती है। अन्यथा 99% मामलों में शनि की दृष्टि का प्रभाव अशुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि की अशुभ दृष्टि है और उसका अशुभ प्रभाव जिंदगी पर पड़ रहा है, क्या उपाय करेंगे? देखिए, कभी भी शनि देव की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन मत करिए जिसमें शनि की आंखें हों। आजकल हर जगह शनि की ऐसी मूर्तियां लगा दी जा रही हैं जहां शनि की आंखें हों। कृपा करके ऐसी मूर्ति का दर्शन पूजन ना करें, वरना मुश्किल में पड़ेंगे। हर शनिवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने खड़े हो जाएं। अगर शनि की दृष्टि बुरी है तो हनुमान जी की दृष्टि तो शुभ होगी, तो हनुमान जी के सामने खड़े हो जाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। रोज शाम को पश्चिम दिशा की तरफ दीपक जलाकर, वेस्ट साइड की तरफ दीपक जला करके शनि देव के मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जो आपके घर के छोटे हैं, जो आपके घर के सहायक हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। नीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। ऐसा करने से भी शनि की दृष्टि का जो दुष्प्रभाव है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। तो शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव किस तरीके से आप दूर कर सकते हैं, कुछ उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताए। आइए अब राशियों का रुख कर लेते हैं और जानते हैं तुला राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। काम की स्थिति में आपके सुधार हो रहा है, काम की मुश्किलें धीरे धीरे कम होती जाएंगी। धन लाभ के भी सुंदर योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं, लेकिन इस समय बेवजह का अनावश्यक तनाव मत पालिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा समुद्री हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव आपका घट रहा है, ये घटता जाएगा। करियर में आपको बड़ी और बेहतर सफलता मिलेगी और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि,
अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा, मत कहिएगा जिससे मुश्किलें बढ़ें, और किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ा दें तो आपकी मुश्किलें भी कम होंगी और आपका गुड लक भी बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। तो आखिरी राशियों का हाल भी आपको बताएंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जिसके जवाब जिसका समाधान पंडित जी आपको देंगे। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल देख लेते हैं आज का सवाल किसका है और क्या समाधान पंडित जी के पास उनके लिए है। पंडित जी बिल्कुल, स्मिता का सवाल हमारे पास आया है, गुजरात से लिखती हैं ये, अहमदाबाद से। जन्म की तारीख है इनकी 14 फरवरी 1979। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है गुजरात। स्मिता लिख रही हैं कि स्वास्थ्य में कुछ न कुछ समस्याएं रोज लगी रहती हैं और टेस्ट कराने पे, जांच कराने पे कुछ निकलता नहीं है। स्वास्थ्य से परेशान है, मानसिक स्थिति से परेशान है। कब ये पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी और क्या उपाय करना चाहिए? स्मिता, शनि राहु का कुंडली में प्रभाव कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या पैदा करता ही है और साथ ही साथ बेवजह मानसिक उलझनों में उलझाए रखता है। आपकी समस्या शनि और राहु हैं, अगर इनको बेहतर किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। दो उपाय करिए, एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक को जो समाधान पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं वो उनके काम जरूर आएंगे, साथ ही कुछ उपाय भी हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं मकर राशि की। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य इस समय होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की जो चिंताएं, जो तनाव आपके मन में था वो समाप्त हो जाएगा इस समय, और रुका हुआ जो धन है वो इस समय प्रयास करने पर आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा समय है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। भाग्य अच्छा है लेकिन मेहनत थोड़ी सी करेंगे तो मध्यम भाग्य आपका साथ जरूर निभाएगा। कुंभ राशि, मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं, यात्रा के योग बने हुए हैं। करियर में सफलता मिलती आपको दिखाई दे रही है लेकिन त्योहार में थोड़ा खाने पर ध्यान दीजिए, खान पान का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ रही है और काम के लिए ये मजबूरी भी होगी इस समय। प्रतियोगिता में, परीक्षा में इस समय आपको सफलता मिलेगी और नौकरी की जो दशा है वो लगातार आपकी अच्छी होती चली जाएगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मकर, कुंभ, मीन राशि के जातकों का भी दैनिक राशिफल पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया। आप देख लेते हैं 7 नवंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल कैसे बीतने वाला है, बताएंगे पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 7 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा।
पैसे की मुश्किलें दूर होंगी, अविवाहित हैं तो विवाह होगा, निसंतान हैं तो संतान होगी, विवाह और संतान के मामले आपके हल होंगे। करियर और स्थान के मामले में परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस साल स्वास्थ्य की समस्याओं का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए, अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। जानते हैं पंडित जी से क्या है आज का महा उपाय। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से जीवन में मुश्किलें बहुत हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा पहचाने कैसे और दूर कैसे करें? आप अपने घर में हरे पौधे लगाते हैं, खासतौर से तुलसी के पौधे लगाते हैं, और ये पौधे आपके बार बार सूख जाते हैं, तो पक्की तौर पे समझ जाइए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ऐसी दशा में घर में रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए और घर में गूगल की सुगंध वाली धूप बत्ती शाम के समय जलाइए, पूरे घर में दिखाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था आज का महा उपाय, और साथ ही शनि की दृष्टि से किस तरीके से आप बच सकते हैं वो उपाय भी पंडित जी ने आपको बताए, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।